न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान का कप्तान कौन तीसरे रोज का खेल शुरू हुआ तो मोहम्मद रिजवान ने टीम को लीड किया खिलाड़ियों को लेक्चर भी दिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम नजले के बाइस फील्ड पर नहीं आए जिसके बाद रिजवान ने टीम की कमान संभाल ली प्लेइंग 11 का हिस्सा ना होने के बावजूद रिजवान फील्डिंग सेट करते दिखाई दिए आईसीसी सी सी के तहत मुतबाद खिलाड़ी कप्तानी नहीं कर सकता मैच रेफरी की मुदाखलत के बाद रजवान को कप्तानी से रोक दिया गया मैच रेफरी ने टीम इंतजामिया को बताया कि बारवा खिलाड़ी कप्तानी नहीं कर सकता रेफरी की मुदाखलत के बाद सरफराज अहमद कप्तानी कर रहे हैं नुमान अली की गेंद पर कॉर्न बॉय का रिव्यू भी सरफराज अहमद ने लिया कराची टेस्ट के तीसरे रोज न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी है बिल आखिर बॉलर को विकेट मिल ही गई है डेविन कॉन्वे बानवे और टॉम लेथम 113 बनाकर आउट हुए खाने के तक न्यूजीलैंड ने दो विकेटों पर दो बना कराची टेस्ट के तीसरे रोज न्यूजीलैंड ने पहली नामुकम्मल इनिंग्स बगैर किसी नुकसान के एक रन से शुरू की डेविन कॉन्वेस्ट नाइनटीन का शिकार हुए वो बानवे रन पर नुमानली के हाथों आउट हुए टॉम लेथम एक रन बनाकर अब्रार अहमद का निशाना बने खाने के वक्फे तक न्यूजीलैंड ने दो विकेटों पर 245 रन्स रन बना लिए केन विलियमसन 19 और हेनरी निकल्स 10 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं न्यूजीलैंड को पाकिस्तान की बढ़तरी खत्म करने के लिए एक सौ तिरानवे रन दरकार हैं